Hi students, welcome back to another episode of my online biology classes, which is biology simplified. Okay, my name is Dr. Shamla Shah और मेरे details आपको दिख रहे हैं screen पर. Okay. अच्छा, हमने last time kingdom animalia शुरू किया था, जो standard 11 textbook का, okay, fourth chapter है. Continuing on the theme of classification, हमने first जितने भी series of classes किए हैं, okay, these are all related to classification. राइट, तो प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन होने के बाद हमने एनिमल किंगडम शुरू किया हुआ है. एनिमल किंगडम क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, डिवर्स है, तो इसमें बहुत कुछ सिस्टम्स है, देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल क्लासिफिकेशंस. लास्ट टाइम हमने बॉडी प्लांट्स देखे थे, अगर आपको याद हो तो. करेक्ट, सो वेरी सिंपल थ्री बॉडी प्लांट्स वी हैड सीन. ये दोनों डायग्राम्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे. करेक्ट है, अभी आते हैं मेन क्रक्स ऑफ द इश्यू पे. ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है इस पर्टिकुलर एनिमल किंगडम का. राइट, सो वी कम नाउ टू द मेन एस्पेक्ट विच इज द एक्चुअल क्लासिफिकेशन. करेक्ट है, एनिमल्स को हम कई सारे फाइलम्स में डिवाइड करते हैं. जैसे आपने प्लांट्स को अंदर ही अंदर क्लासिफाई किया था, याद है आपको, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा, ये सब किया था. तो ऐसे ही अभी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे. बट जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमको माइंड में क्या रखना है, एक तो ये सारे ग्रेड्स जो हमने किए थे क्राइटेरियन, दूसरा बॉडी प्लान, है ना, ये सब चीजों का डिस्क्रिप्शन हमें बार बार आने वाला है. सो वी हैव टू रिवाइज दैट. अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. ओके, प्रीवियस में इसीलिए मैंने ओनली क्राइटेरियंस किए हैं, सो दैट वो एक अलग सेक्शन हो जाए, यू कैन इजीली रिवाइज फ्रॉम देयर. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लासिफिकेशन. सो पहला फाइलम, सबसे सिंपल वाला फाइलम, ओके, ये होता है फाइलम पॉरीफेरा. पॉरी मतलब छोटे छोटे होल्स, पोर्स, जैसे आपके स्किन में छोटे छोटे ओपनिंग्स है ना, पोर्स. फेरॉन मतलब बेयरिंग, मतलब जो कैरी करता है, मतलब ऐसा बॉडी जिसमें पोर्स कैरी होते हैं या पोर्स प्रेजेंट होते हैं. राइट, अब एग्जांपल्स पीपल, अगेन ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक है स्टूडेंट्स, है ना, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं जिसमें कॉमन नेम्स भी हैं, साइंटिफिक नेम्स भी हैं, तो आपको थोड़ा सा उस पर मेहनत करना है ना. जिनको ये नेम्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं तो स्टूडेंट्स उसको प्लीज जरा राइट करके प्रैक्टिस कीजिए. करेक्ट है, ओके, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी, है ना, तो उसको थोड़ा सा कर लेना है. करेक्ट है, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, स्काइफा, यूस्पॉन्जिया, ओके, जिसको हम कॉमनली बाथ स्पंज बोलते हैं, एंड यूप्लेक्टेला विच इज कॉल्ड वीनस फ्लाई फ्लावर बास्केट. ओके, अब ये सारे जो है ये पॉरीफेरेंस हैं. अब इसका जरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. करेक्ट है, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब पानी में रहने वाले. करेक्ट है, मोस्टली ये मरीन होते हैं, तो अभी आपको पता है मरीन मतलब खारे पानी में रहने वाले, और कुछ कुछ जो स्पीशीज है ये फ्रेश वाटर में या मीठे पानी में रहते हैं. इनको हम ऑल्सो बोलते हैं स्पंजेस. करेक्ट है, सो दिस आर इजी टू रिमेम्बर. अब इनका बॉडी जो होता है ना, ये खासा एसिमेट्रिकल है. एसिमेट्रिकल मतलब क्या, आप इसको किसी भी प्लेन ऑफ डिविजन में, ओके, कट करके आपको दो इक्वल या सिमिलर हिस्से जो है वो नहीं मिलेंगे, है ना. अब इनका बॉडी कैसा है, हमने पहले भी किया था ना, सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी है, तो बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन डिविजन ऑफ लेबर बहुत कम है, हमने देखा था ये, है ना. जब भी हमने बॉडी प्लान किया था हमने क्या बोला था, अगर सेल एग्रीगेट तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो सेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट उतना कुछ खास नहीं है, तो कैसा है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो थोड़ा बहुत ही हो पाएगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा. करेक्ट, सो इनका बॉडी कुछ ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो एक कॉलोनी है. इट डजंट बिहेव लाइक अ प्रॉपर ऑर्गेनिज्म. कैसे बिहेव करता है, जैसे गुच्छे गुच्छे में सेल्स हैं, कॉलोनी है, कुछ यहाँ कुछ वहां, मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपस में कम्युनिकेशन है पर कम है, ओके, कोऑर्डिनेशन है पर कम है, डिविजन ऑफ लेबर है पर वो भी कम है. ओके, अब ये एनिमल्स किस तरीके के हैं, देखिए बहुत स्ट्रेंज है. जनरली अगर मैं आपको पूछ लूं कि एनिमल और प्लांट में सबसे बड़ा फर्क या मेजर फर्क क्या है, तो अगर छोटे बच्चों को पूछ लो तो वो इमिजिएटली बताएंगे, अरे एनिमल्स तो मूव होते हैं ना यहाँ से वहां, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिशेस विल स्विम, मूवमेंट है ना, एनिमल्स का एक बहुत अहम हिस्सा है. बट ये जो आपके स्पंजेस है ना, ये थोड़े से अजीब हैं, थोड़े से डिफरेंट है. ये क्या है, सेडेंट्री है. सेडेंट्री मतलब ये एक से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं दिखाते. पानी में
जहाँ जैसे सतह होती है सॉइल की, वो वहां पे चिपक के या फिर रॉक्स के ऊपर या कहीं पे भी उनको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, वहां चिपक के वहीं पे खड़े रहते हैं, करेक्ट है? तो इनको हम बोलते हैं सेडेंट्री एनिमल्स। ये बहुत रेयर है, ज्यादातर आगे के फाइला में आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो दिखेगा, बट यहाँ पर नहीं दिखता। अब इनके बॉडी पे खासियत क्या है, इनके पूरे बॉडी पे ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना? छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोर्स या ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, है ना? अब ये ऑस्टिया के थ्रू, अब ये देखिए, ये जो है बॉडी है ना, दिस ऑल्सो यू कैन सी, ये इतने होल्स होल्स दिख रहे हैं इसमें, बहुत सारे होल्स 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 होल्स, हियर ऑल्सो यू कैन सी इन द डायग्राम, है ना, छोटे छोटे होल्स है। अब ये होल का फंक्शन क्या है? पानी में रहते हैं ना ये, तो पानी ये होल्स के थ्रू अंदर बॉडी में चली जाती है, ये होल्स के थ्रू पानी अंदर बॉडी में, सेंटर में होल है, गैप है, ये देखो ये सेंटर में कैविटी है, बाहर गैप्स है, करेक्ट है? और वो जो गैप है वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? सो बॉडी के ये छोटे छोटे पोर्स या गैप्स या ऑस्टिया के अंदर से पानी अंदर इस गैप में एंटर होता है, ये कैविटी में एंटर होता है, और वो अपने साथ में जो भी खाना है, न्यूट्रिशन है, वो सब अंदर लेके जाता है। पानी अंदर यहाँ पे गैप में सर्कुलेट 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 होने के बाद ये सभी, ये वेस्ट भी कलेक्ट करेगा ना पानी, पहले तो न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, फिर वेस्ट भी कलेक्ट करेगा। तो अभी इस पानी को बाहर भी तो जाना है बॉडी से, तो कहाँ से निकलेगा? ऊपर की तरफ एक बड़ा सा ओपनिंग दिया जाता है, विच इज कॉल्ड द ऑस्क्यूलम। ये देखिए ये तो पानी एंटर होता है, पानी एंटर होता है यहाँ से छोटे छोटे गैप्स में से, अंदर ही अंदर घूमेगा, और जब उसका काम खत्म हो जाता है और वो सारा न्यूट्रिशन दे के वेस्ट अपने अंदर लेके जब बाहर जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? वो यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे फाउंटेन हो, समझ में आ रहा है? तो पानी जो है बॉडी से निकलेगा एक लार्ज बड़े ओपनिंग से, जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। तो छोटे छोटे होल्स जहां से पानी एंटर होता है वो हो गया ऑस्टिया, और जहां पे से पानी बाहर निकलता है सारा वेस्ट लेके, वो बड़ा सा होल या गैप, उसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, करेक्ट है? अच्छा, जब पानी अंदर आ जाता है तो उसका क्या होता है? वो सर्कुलेट होता है, गोल गोल घूमता है। वो सर्कुलेट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होती है स्पंजस के बॉडी में, जिसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम, है ना? तो कैनाल एक्चुअली मीन्स नाले, तो नाले के जैसे छोटे छोटे क्रिस क्रॉस ट्यूबिंग्स के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या अदर गैप्स होते हैं बॉडी में, उसके थ्रू ही पानी सर्कुलेट होता है। हाँ, और जब सर्कुलेशन होती है तो ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इतने सारे सेल्स, ये क्या करते हैं? पानी में से अपना खाना अब्जॉर्ब करते हैं, है ना? रेस्पिरेटरी गैसेस जो है, ऑक्सीजन CO2 का गैस एक्सचेंज हो जाता है ना? एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, करेक्ट है? सो ये इंटरनल एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं, दे हैव शोन यू सम ऑफ द थिंग्स, उसको हम जरा देख लेते हैं। अब ये जो गैप है, राइट, दिस इंटरनल कैविटी, इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द स्पंजो सील। क्या बोलते हैं? स्पंजो सील। क्या है स्पंजो सील? दिस गैप कैविटी, है ना? ये जो कैविटी है, ये रीजन, राइट? सो स्पंजो सील में स्पेशल फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, विच आर कॉल्ड द कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉलर सेल्स। कोएनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉलर सेल्स। तो यहाँ पे यू कैन सी, ये जो स्पेशलाइज्ड सेल दिखाया है ना उन्होंने आपको, दे हैव ट्राई टू शो यू हियर, ये देखिए ये कॉलर सेल, कैन यू सी, ये ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे छोटे से मटके जैसा शेप है, तो ये जो रीजन है इसको कॉलर बोलते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये ऐसे कॉलर सेल से लाइंड है, सी, कैन यू सी द होल बॉडी, हियर ऑल्सो यू कैन सी द कोएनोसाइट्स और द कॉलर सेल्स, करेक्ट है? अब कॉलर सेल्स में फ्लैजेला होता है, ये जो हेयरी स्ट्रक्चर है, सी, यू कैन सी द फ्लैजेला। तो ये फ्लैजेला क्या करता है? मूव करता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन बीट करता है, और इस बीटिंग से क्या होता है, पानी जो अंदर आ रहा है उसको जरा सा पुश मिलता है, ऐसे जैसे कि आप थोड़ा सा बिल्कुल स्टर कर लो ना पानी को ग्लास में लेके एक स्पून से, या वैसे ही काम आपका फ्लैजेलेटेड सेल करता है। पानी कंटिन्यू अंदर एंटर होता है गैप्स में से, और फ्लैजेलेटेड मूवमेंट की वजह से पानी को एक एक डायरेक्शन में
पुश किया जाता है, राइट? ये जो बॉडी होती है ये इन एनिमल्स की, उनके अंदर कैल्शियम या सिलिका के छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, कांटे जैसे, है ना? या कभी कभी वो प्रोटीन से भी बनते हैं वो कांटे, और उनको फिर बोलते हैं स्पंजिन फाइबर। तो अगर सिलिका कैल्शियम से बने तो उसको हम बोलते हैं स्पाइक्यूल्स, एंड अगर प्रोटीन से बने तो वी कॉल इट स्पंजिन फाइबर, है ना? इज दिस मेकिंग सेंस टू यू पीपल? है ना, तो काफी सिंपल है, राइट? जस्ट डिस्क्रिप्शंस ज्यादा हैं इसीलिए कभी आपको लग सकता है कि अरे बहुत हैवी है, बट इट्स नॉट एक्चुअली। आप अगर अच्छे से इसको फॉलो कर लेंगे ना, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, राइट? फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन, है ना? तो रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, कैसे, है ना? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। वी हैव सीन फ्रैगमेंटेशन पहले भी, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा है ना। फ्रैगमेंटेशन क्या था कि बड़ा बॉडी होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, और हर पीस आपको नया ऑर्गेनिज्म देता है। तो आपका स्पंज भी देखिए ये कैपेसिटी रखता है ना? अगर स्पंज के मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूं, तो वो स्पंज के पीसेस यहाँ वहां अगर गिर जाते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो मुझे नया स्पंज बॉडी मिल जाएगा, राइट? दूसरा तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक स्पेशल एसेक्सुअल जो है बर्ड या स्ट्रक्चर बनता है, विच इज कॉल्ड द जेम्यूल। क्या बोलते हैं? जेम्यूल, है ना? तो ये जेम्यूल एनिमल के बॉडी के अंदर एक छोटा सा ऐसा एग्रीगेशन हो जाता है, और वो एक नया ऑर्गेनिज्म देता है। जब वो मेन बॉडी से गिर के बाहर निकलता है या अंदर ही गिर जाता है, गिव्स यू अ न्यू स्पंज, करेक्ट है? इज दिस मेकिंग सेंस हियर? तो ये एनिमल्स में रीजनरेशन की पावर होती है। व्हाट इज रीजनरेशन? जैसे अगर मैंने एक हिस्सा इसका काट दिया, ओके, तो वो हिस्सा वापस से बन जाएगा, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो स्पंजेस, कुछ कुछ स्पंजेस बोलते हैं उनकी रीजनरेशन इतनी है कि अगर उनको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया तो भी वो वापस आपस में जुड़ जाते हैं, एंड दे अगेन गिव यू बैक द स्पंज, है ना? बिल्कुल कमाल की बात है, करेक्ट है? ऑफकोर्स इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड कि स्पंजेस में इतना कमाल का रीजनरेशन कैसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है ना। बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ सेल ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीगेशन, करेक्ट है? ये जैसे ही घुल मिल जाते हैं वापस से दे कम बैक, बहुत ज्यादा टिश्यू और ऑर्गन तो फॉर्म करना नहीं है, आर्किटेक्चर बड़ा ही सिंपल है। सो दे जस्ट कम टूगेदर एंड दे इमीडिएटली गिव यू बैक द ओरिजिनल बॉडी, है ना? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, करेक्ट? ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टिपिकल गैमिट फॉर्मेशन से होता है। फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमिट का बॉडी के अंदर ही हो जाता है, नॉट एक्सटर्नली, ओके? और इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, राइट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो बेबी फॉर्म होता है एनिमल का और जो अडल्ट फॉर्म होता है एनिमल का, वो दोनों आपस में काफी अलग होते हैं, राइट? तो जैसे जब भी स्पंज का फर्टिलाइजेशन होगा तो पहले क्या बनेगा, लार्वा, है ना? लार्वा स्पंज जैसा नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल अलग ही कुछ दिखेगा। बाद में वो लार्वा चेंज होगा और आपको बड़ा एक स्पंज का बॉडी इस तरीके से बन जाएगा, राइट? सो जब बेबी, ओके, अडल्ट के जैसे ना दिखे एनिमल का, जब बेबी अडल्ट के जैसे ना दिखे, तो वो डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। सो द लार्वा फॉर्म एंड द अडल्ट फॉर्म विल लुक वेरी डिफरेंट। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है, है ना? ह्यूमन बींग, बेबी ह्यूमन बींग बड़े ह्यूमन बींग के जैसे ही दिखता है। सो वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके? और अगर जो बेबी है वो दैट डजंट लुक लाइक द अडल्ट, तो उसको बोलते हैं हम इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, करेक्ट है? इतना क्लियर है, राइट? अभी हम जो है ये सेकेंड फाइलम पे आ जाते हैं। सो पोरिफेरा इज डन, स्टूडेंट्स। अगेन आई वुड टेल यू कि पोरिफेरा जैसे जैसे हम कंप्लीट करते हैं, आप हर एक जो सेक्शन है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट नोट करते जाएंगे, तो आपके पास जो है रेडी नोट्स भी हो जाएंगे एंड आपका रीडिंग स्टडिंग भी बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, करेक्ट है? अब जरा हम सेकंड फाइलम का इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑलराइट? लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी बना रहेगा, राइट? सो सेकेंड फाइलम हम करेंगे, दैट इज स्निडेरिया, ऑलराइट? स्निडेरिया जो है इसमें आपका हाइड्रा ऑरेलिया जो जेली फिशेज है, ओके, फाइजेलिया which is called Portuguese man of war, Adamsia, okay, which is called the sea anemone, Diploria, brain coral,
गॉर्गोनिया, सी फैन, बहुत सारे अलग 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 टाइप्स है ना, लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो बेसिकली ये जेलीफिश और कॉरल्स, सी फैन वगैरह की फैमिली है. अगेन ये एनिमल्स ही है, तो जेलीफिश तो आपने कॉमनली देखी है ना, दिस तो मे वी हैव सीन इट, भले हमने रियलिटी में ना देखा हो बट टीवी पे और एनिमल प्लैनेट वगैरह पे तो देखा ही है, राइट. तो ये अक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं. अगेन मरीन है, मोस्टली खारे पानी में. कुछ कुछ जो हैं ये फ्रेश वाटर या मीठे पानी में रहते हैं, करेक्ट है. अब इसमें देखिए दो तरीके हैं, या तो ये सेसाइल है, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिखाते, या तो ये बिल्कुल फ्रीली यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो दे आर फ्री लिविंग, ठीक है. सिमेट्री कैसी है, रेडियल है, डिप्लोब्लास्टिक है. स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, ओके, और आपने इसका इंट्रोडक्टरी जो है वो नहीं देखा है, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में आई हैव टोल्ड यू वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, करेक्ट है. तो उसको जरा आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए. बॉडी प्लान कैसे है, ब्लाइंड शैक है, एक ही ओपनिंग है अंदर खाना जाने के लिए, वेस्ट बाहर आने के लिए. दो तरीके के बॉडी फॉर्म्स हैं, ओके. यू हैव द पॉलिप फॉर्म, ओके, जो सिलेंड्रिकल है, एंड यू हैव द मेड्यूसा फॉर्म जो अम्ब्रेला के जैसे दिखता है, यू नो दिस टिपिकल अम्ब्रेलर फॉर्म, येस और नो, ओके. तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया टू योर फाइलम स्निडेरिया, ऑलराइट. इसका जो डिटेल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच टू दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, ओके. अगर आपको लगता है कि योर वीडियोस आर हेल्पिंग यू, देन प्लीज डू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स को थोड़ा मदद हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा. अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो भी मेरे वीडियोज़ हैं, नए वीडियोस, उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा. अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूं बायो में, तो प्लीज़ मुझे एक पर्सनल मैसेज आप डाल सकते हैं नंबर पे, या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियोस. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड कीप स्टार्टिंग. थैंक यू.